हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किशन टेक्निकल गुरु चैनल के अंदर आप लोगों का आपके भी सेटअप बॉक्स के अंदर 58 या 57 चैनल ऐड हो रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों को सेटअप बॉक्स में एक सेटिंग करनी पड़ेगी और सेटिंग के साथ में आपको सेटअप बॉक्स के अंदर एक सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी, जिससे आपके लगभग 244 चैनल आ सकेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इसमें सप्लाई देखनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे सेटअप बॉक्स में यही प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि उस 57 या 58 चैनल ही आ रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को सेटअप बॉक्स में अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैंने सेटअप बॉक्स को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद में मैं इसे के अंदर ये सप्लाई आप लोगों के पास ले जाके दिखा दें। इसमें ज़्यादातर ये कैपेसिटर ये वीक होते हैं, जिसके कारण हमारे चैनल कम आने लग जाते हैं सेटअप बॉक्स में। तो गाइस इसमें कोई कैपेसिटर इसमें नहीं दिख रहा, जिसके कारण इसमें ये आईसी की कोई दिक्कत आ रही है। तो गाइस इसके लिए हमें केवल इसमें 60 रुपये का खर्चा है। तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सेम सप्लाई लेंगे तो लगभग हमारे 120 या 150 का खर्चा होगा। तो हमें इसमें एक छोटा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सप्लाई हल्की वाली जैसे मार्केट में मिलती है, तो वो ये सप्लाई है जो हमें 60 रुपये में मिल जाएगी। इसको भी लगा के हम इस सेटअप बॉक्स को आसानी से चला सकते हैं और हमारे कम पैसे के अंदर अच्छा काम हो जाए। तो गाइस ये कैसे लगाओ कि आप, तो गाइस मैं आपको बताते हैं, इसमें ये आ रही हैं चार, ये लीड आ रही है चार तार वाली और हमारी ये लीड है इसमें 6 लेंथ वाली ये तार हैं। तो इसमें से मैंने दो निकाल दिए, लेकिन गाइस ये भी हमें देख के निकालने हैं। तो मैं आप लोगों के पास ले जा के दिखा देता हूँ एक बार। गाइस हमें ये 5 वोल्ट और ये नॉर्मल है, तो ये हमें यहाँ पे वापस मिल जाता है। तो हमें इसके यहाँ नहीं ज़रूरत है, क्यों हमें यहाँ केवल ये 24 वोल्ट 12 वोल्ट एवं जी है 3 वोल्ट। तो गाइस हमें यहाँ इसी लीड में यही दिखाया गया है, तो हमें इसको चेंज करने के लिए ये लेंगे भाई। तो हमें इसे तो दोस्तों हमने इस सप्लाई को इस तरीके से लगा दिए यहाँ पे मिला के कार्ड के अंदर, और 2 पॉइंट हमने इसके निकाल दिए। अब मैं इस सप्लाई के इस सप्लाई का तार यहाँ से इसको निकाल के, इसको आप कैसे भी लगा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। अगर स्विच लगा हो तो उस टाइम देखना पड़ता है। और इसको जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, अब मैं इसे चालू करता हूँ एक बार और आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें मैंने ये चेंजिंग कर दी है और मैं इसे अब पावर में लगाता हूँ एक बार। और आप लोगों को भी ऐसे लगाना है इसमें, या इसको कट कर लेना एक बार, या कट करने कर भी सकते हो, या इसे प्लास्टिक की सॉकेट को आप निकाल भी सकते हो। मैंने यहाँ कट लगा के आप लोगों को शॉर्ट में दिखाया है, ये वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। अब मैं आप लोगों को ये चला के दिखा देता हूँ एक बार, इसको मैं अपने LED के अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हो मेरे इसमें सारे चैनल आ गए, जो नए वाले हैं अभी आ रहे हैं, जो ये तो गाइस ये पहले नहीं आ रहे थे और आप लोगों के फिर भी नहीं आए। तो आप लोगों को इस सेटअप बॉक्स में एक छोटी सी सेटिंग और कर लें, जैसे मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ जाके इनको यहाँ से ऐसे करके डिलीट कर देता हूँ एक बार, और यहीं वापस चेक कर लेता हूँ एक बार, इनको भी मैं वापस जल्दी से कर देता हूँ। और यहाँ करने के बाद में हमें यहाँ जाना है सीधा सा ऑटो स्कैन में, ऑटो स्कैन में जाने के बाद में यहाँ फ्री वाले पे ओके करेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों देखा आपने, इसमें 246 चैनल ऐड हो गए गाइस। सोनीपल या न्यू वैसे अच्छी तरीके से चल रहा है और बहुत सारे चैनल। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट करें।